हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारा बायोलॉजी का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें आज बारी है चैप्टर 4 की, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये हमारे बायोलॉजी का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये हमारे बायो का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में विथ आंसर पढ़ेंगे। तो भैया कॉपी और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। ठीक है, अब ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैप्टर के मात्र इन क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं, तो आपका इस चैप्टर का नंबर बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वंशागत की आनुवांशिक इकाई है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि वंशागत की इकाई क्या है। ठीक है, तो का है गुणसूत्र, खा है जीन प्रारूप, गा है गालजी का है और घा है जीन। तो भैया जीन जो होता है ये वंशागत की इकाई होती है। ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। दूसरा देखिए, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि मेंडल का जो एक गुण प्रसंकरण है इसमें कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है। का है प्रथम संतानीय पीढ़ी, खा है द्वितीय संतानीय पीढ़ी और गा है तृतीय संतानीय पीढ़ी और घा है जनक पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक है, यानी कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होती है ये विषम युग्मजी होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है। देखिए, एक रोग है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णांधता, ये जो है किस कारण से होता है। ठीक है, तो देखिए, का ऑप्शन है अधिक सुरापान से, खा है आनुवांशिकी से, गा है विटामिन ए की कमी से और घा है अति सक्रिय एड्रेनल ग्रंथि से। ठीक है, तो वर्णांधता जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये आनुवांशिकी से होता है, यानी कि ये एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, तो ये सब एक आनुवांशिक डिजीज है। ठीक है, तो किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है, तो वो आनुवांशिकी से होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर। देखिए, इसी आनुवांशिक रोग में एक रोग है मंगोली जड़ता। ठीक है, ये किसके कारण होता है, मंगोली जड़ता ये किसके कारण होता है। ठीक है, तो का है लिंग गुण सूत्रों की एकल सूत्रता से, खा है 21वीं जोड़ी के अलंग सूत्रों की एकल सूत्रता से, गा है लिंग गुण सूत्रों की एकाधि सूत्रता से और घा है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधि सूत्रता से। मतलब हमारे अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी होते हैं, तो उसमें 21वीं जोड़ी, 22वीं जोड़ी, ऐसे ऐसे जोड़ियां होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, यानी कि 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधि सूत्रता से, मतलब एक अधिक हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, तो वो मंगोली जड़ता रोग वहां पे हो जाएगा। पांचवा देखिए, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये तो आपको पता ही है किसने किया, का है डार्विन ने, खा है लैमार्क ने, गा है डीब्रीज ने, घा है मेंडल ने। तो मेंडल ने ही प्रभाविता और पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था, यानी कि मेंडल ने अपना नियम दिया था इस चैप्टर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। सिक्स नंबर देखिए, द्वि संकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है, यानी कि जो डबल हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है। ठीक है, द्वि संकर, एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक संकर और एक द्वि संकर होता है। तो का है 3:1, खा है 1:1, गा है 9:3:3:1
और कहा है 1:1:1:1, तो गा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, द्वि संकर जो टेस्ट क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसका जो अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं WBC, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हमारी होती हैं, इसके अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मतलब इसकी ज्यादा मात्रा हो जाए आपके अंदर तो क्या होगा, कौन सा रोग होगा। कहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कहा है ल्यूकीमिया, कहा है हीमोफीलिया और कहा है उपृक्त सभी। तो भैया इसकी वजह से ल्यूकीमिया होता है, अगर आपके अंदर WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का उत्पादन ज्यादा होने लगेगा, ज्यादा मात्रा में आपको हो जाएगा, तो ल्यूकीमिया नामक डिजीज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 4 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत से। ठीक है, समझ में आ गया ये 7 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हमारे एग्जाम में एक नंबर के आते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन अलग अलग, देखिए फर्स्ट देखिए वंशागत या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब वंशागति या आनुवांशिकता ये दोनों तो सेम ही है, चाहे आप वंशागत कहें या आनुवांशिकता कहें। ठीक है, और आनुवांशिकी इसमें अंतर बताना है, मतलब आनुवांशिकता और आनुवांशिकी में अंतर बताना है। तो देखिए आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, यानी कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जनकों से संतान में पहुंचने के को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, मतलब हमारे जो पिताजी हैं, ठीक है, उनके लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो इसको हम आनुवांशिकता या वंशागति बोलेंगे, क्योंकि उनके लक्षण कुछ ना कुछ हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आनुवांशिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है, यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन करें वो आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका डिफिनेशन हो जाएगा कि वंशागति और आनुवांशिकी में डिफरेंस क्या है, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी में, मतलब आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतान में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो आनुवांशिकी कहलाता है। दूसरा देखिए ये क्वेश्चन शायद इसका आंसर आप सभी को पता हो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया था, मतलब वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है ये किसने दिया था। तो दो हमारे वैज्ञानिक है, सटन व बोवेरी, इन्हीं दोनों ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया था, मतलब इन्हीं दोनों की देन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद, सटन व बोवेरी। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, छोटा सा ने लिख दीजिएगा चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे ने लिख दीजिएगा, इन्होंने ही दिया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के कितने लक्षण का चुनाव किया, मतलब मेंडल जो हैं इन्होंने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए, मतलब ऐसा देखिए 7 लक्षण वैसे इन्होंने बताए थे। ठीक है, तो आपको किन्हीं 4 लक्षणों को बताना है। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों का चुनाव किया, यानी कि 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था, कोई 4 आपको बताना है तो 4 मैं बता देता हूं। जैसे देखिए पुष्प ले लीजिए, पुष्प का रंग मतलब बैगनी ये प्रभावी होगा तथा सफेद जो है ये अप्रभावी होगा। ठीक है, पुष्प का रंग जो है जैसे मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था तो उसमें बैगनी जो है ये रंग प्रभावी होता है और सफेद जो है ये अप्रभावी होता है। ठीक है, इसमें संकरण कराया जाएगा तो बैगनी रंग प्रभावी पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है बीज का रंग, देखिए आप मटर के बीज का रंग देखते हैं तो हरा ये प्रभावी है और पीला बाद में पीला पड़ जाता है तो वो अप्रभावी रंग है। ठीक है, तीसरा देखिए पौधों की लंबाई, ये देखिए लंबा प्रभावी है और बौना अप्रभावी है, क्योंकि पौधे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग हैं कोई छोटा कोई लंबा, ठीक है अलग अलग बनावट होती है सबकी, तो वैसे ही इन्होंने लंबा जो होता है पौधा उसको प्रभावी माना और बौना जो है अप्रभावी, विप्रयासी लक्षण एक दूसरे से अलग। ठीक है, चौथा देखिए बीज का आकार कैसा होगा, गोल ये प्रभावी होगा एवं झुर्रीदार या प्रभावी होगा, जैसे गोल भी होता है मटर और जब वो सूख जाता है तो झुर्रीदार हो जाता है तो वो अप्रभावी होगा। तो 4 लक्षण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पुष्प का रंग बैगनी और सफेद, प्रभावी अप्रभावी ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 लक्षण थे।
सात उन्होंने लक्षणों को दिया था, लेकिन चार मैंने यहाँ पे चार ही पूछा गया था, तो चार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। मतलब अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा सह प्रभाविता को डोमिनेंस, इसमें जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता दोनों ही जीन प्रारूपों रूपों एवं दृश्य रूपों में 1:2:1 यहीं पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं, का अनुपात होता है। मतलब जो अपूर्ण प्रभाविता है और सह प्रभाविता, इसमें दोनों में ही जीन रूप एवं दृश्य रूपों का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है कि अपूर्ण प्रभाविता में जीन रूप एवं दृश्य रूप का अनुपात क्या होता है, तो 1:2:1, ठीक है, ये दोनों में होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखिए हीमोफीलिया जो एक आनुवांशिक रोग है, इसको ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखिए, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। मतलब हीमोफीलिया जिसको है भैया, उसको कहीं चोट लग जाए या बाय चांस कट जाए तो खून निरंतर बहता रहता है और रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता, जो क्लॉटिंग है, ठीक है, वो जल्दी नहीं जमता। जब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा तब तक भैया खून लगातार बहता रहेगा, और इसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा चोट लग जाती है जिसको, मान लीजिए थोड़ा बहुत लगा तो थोड़ा बहुत खून लगातार निकलेगा, लेकिन अगर ज्यादा चोट लग गई भैया तो खून पूरा निकल जाएगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग में अगर कहीं कट जाए या चोट लग जाए आपको तो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होती, और जब तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा खून लगातार बहता रहेगा, और खून बहता रहेगा भैया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारा खून ही जब निकल जाएगा तो खून की कमी, फिर प्रॉब्लम तो होगी ही, ठीक है। तो इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं, ब्लीडर का मतलब लगातार ब्लीडिंग होता रहे, ठीक है। तो अगर इसमें आप किसी को चोट लग जाए जिसको रोग है, और चोट लग जाए या कट जाए तो रक्त का थक्का ही नहीं जमता, इसीलिए इसको हम ब्लीडर रोग कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अब हम आते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका आंसर हम नहीं बता रहे, क्यों, क्योंकि उसका मैं चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर बताऊंगा, फिर आपको एक में भी सारा क्वेश्चन मिलेगा। बस आप लोग ये जानिए कि चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूरे बायोलॉजी के मैं जैसे जैसे बताता चलूंगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी आंसर के साथ बताता चलूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसका स्पेशल वीडियो आपके लिए चैप्टर वाइज लाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, पूरी तैयारी आपकी होगी। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर, 2 प्रकार के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। जैसे आपका एक मंगोली जड़ता रोग था, डाउन सिंड्रोम ऐसे ही है, तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण और लक्षण आपको बताना है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए, आपको अंतर पूछा जाता है, प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में क्या अंतर है, एक संकर और द्विसंकर यानी कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या अंतर है, घाय प्रथम संतत पीढ़ी एवं द्वितीय संतत पीढ़ी, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसा आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी देखने को मिला है कि ऐसे दे दिया जाएगा, निम्न में विभेद कीजिए, ठीक है, या टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह प्रभाविता क्या है, ठीक है, सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, यानी कि व्हाट इज कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता क्या है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, क्या अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, ठीक है, तो वो भी आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, मेरे अकॉर्डिंग ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है और भी क्वेश्चन है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, या फिर और क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तीनों मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब विस्तृत उत्तरीय में आते हैं भैया, 5 नंबर वाले में, इसको तो हम मिस कर नहीं सकते, और इस चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन है
जो विस्तृत उत्तरीय में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप सभी को पता होगा इस चैप्टर में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भैया मेंडल का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन भी वही है कि मेंडल के प्रभाविता के नियमों की विवेचना कीजिए या फिर मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए, कई प्रकार से आया है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 2014 से लगातार आता रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए या फिर मेंडलवाद, मेंडल के जितने भी नियम हैं ये सारी चीजें आप बताएंगे, आप 5 नंबर ले जाएंगे। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो भैया हर साल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आपका वर्णाध्यता भी आता है टिप्पणी करने को विस्तृत तरीके में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंडल के जो नियम है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, विस्तृत तरीके में आता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब हमारे बायोलॉजी का इस चैप्टर का। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 4 है। ठीक है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा सर केवल बहुविकल्पीय अर्थगोत्रीय बता रहे हैं बाकी मैं नहीं बता रहे हैं। देखिए, मेरा पर्पस है कि आप लोग ये जान सके कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जान गए भैया तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते जाएंगे, कुछ आप पढ़ेंगे कुछ हम बताएंगे और इस तरह हम आपकी बार 90+ 4 कराएंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास भैया कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।